हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे सीख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 9 से 13। 9 से 13 बनने में कितना ऐड हुआ? 4। ओके, अगर हम लोग ऐसा करें 9 + 2 का स्क्वायर तो भी तो 4 होता है, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13। ओके, ये ट्रिक इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। 13 + 13 से 22 बनाना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, इसमें 2 का स्क्वायर करके जोड़ा था और इसमें 3 का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 13 + 9, तो हमें मिल जाता है 22। 22 मिल गया। अब हम लोग 22 + कितना करेंगे? 4 का स्क्वायर, तो 22 + 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिसिंग नंबर का है। यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 0 कैसे बना होगा? तो दोस्तों देखिए, 1 का क्यूब करें या 1 का स्क्वायर करें और 1 घटा दें तो हमें 0 मिल जाता है। अब देखिए, मैंने क्यूब क्यों किया था? क्योंकि ये 7 है। ओके, तो 7 किसके क्यूब के नज़दीक होता है? 2 के क्यूब के। ओके, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और इसमें से 1 घटा देंगे तो 7, क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने 0 में भी किया था, 1 का क्यूब किया था और 1 घटा दिया था, तो 1 - 1 तो हमें मिल गया था 0। ओके, इसी प्रकार 26 किस संख्या के क्यूब के नज़दीक है? 3 के, तो 3 का क्यूब और -1, तो 27 - 1 कितना हो जाएगा? 26 मिल गया। अब देखिए, 1 का क्यूब कर दिया, 2 का क्यूब भी कर दिया, 3 का भी कर दिया, अब 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब -1 मतलब 64 - 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 63। ओके, तो ऑप्शन डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, 63। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो एक एक कॉलम लेके चलेंगे, तो कैसे करेंगे? तो इस कॉलम को लेके चलते हैं, तो 3 बनाना है यहाँ पे, तो कैसे बनाएंगे? ओके, तो 1 का गुणा 2 में अगर करें तो कितना हो जाता है? 2। ओके, और इसी 1 को इसमें 2 में ऐड कर दें तो कितना हो जाता है? 3। अब इसमें भी यही अप्लाई करके देखते हैं, 7 का गुणा 14 में करेंगे तो 98, और 98 में इसी 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 105। तो कंडीशन शर्त फॉलो कर गई। ओके, मतलब इन दोनों का ही गुणा और इसका योग किसके बराबर? 3। इसी प्रकार इसका गुणा और इसका योग किसके बराबर? 105 के। तो इन दोनों का गुणा और इसका योग किसके बराबर हो जाएगा? 117 के। ओके, तो 9 को ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स मान लेंगे, तो 9 × x और इसी में 9 ऐड कर देंगे। ओके, किसके बराबर हो जाएगा? 117 के। ओके, तो 9x = 117 - 9, तो 9x = 117 में 9 गया तो कितना बचा? 108। इसे 9 से काटेंगे, 9 × 9 = 9, 2 × 18, तो 12 हमें मिल गया आंसर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, 64, 4, 25, 8, 8 को छोड़ो, ये जो तीनों संख्याएं दिख रही हैं ये किसी ना किसी संख्या की स्क्वायर रूट हैं। तो दोस्तों देखिए, 2 का स्क्वायर किया हमें 4 मिल गया। ओके, 5 का स्क्वायर किया हमें 25 मिल गया, 8 का स्क्वायर किया 64 मिल गया, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा, यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो एक एक फिगर को लेकर चलेंगे। ओके, तो पहले फिगर में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये निकालना है, तो यहाँ पे 20 कैसे आया और इसमें यहाँ 24 कैसे आया, पहले ये सीखेंगे उसके बाद फिर ये निकाल पाएंगे। ओके, तो पहला फिगर लेते हैं, 5 और 4, अगर हम लोग एक बात सोचें, ये 9 बनाना है, अगर 5 को 4 में ऐड कर दें तो 9 बन जाता है। ओके, 9 बन गया। अब और इसी 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है 20। ओके, तो 1 तीर से 2 शिकार हो गए यहाँ से, तो 3 + 8 अगर करें तो हमें 11 मिल जाता है, और 8 और में 3 का गुणा करें तो 24 मिल जाता है। देखिए, यही तरीका इसमें लगाएंगे, 9 में 4 ऐड करेंगे 13 मिल गया, और 9 में 4 का गुणा कर दें अगर 9 + 4 = 36, तो 36 मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है तीसरे वाले फिगर में, तो एक एक फिगर को लेके चलेंगे और सीखेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये 49 है, ये है 64 और ये है 36, तो ये 7 का स्क्वायर है, ये है 8 का स्क्वायर,
और ये है 6 का स्क्वायर, आपको पता होगा। ओके, तो ये 7 का स्क्वायर 49 कैसे आया आपको बताता हूँ। देखिए इसके सामने 25 के सामने 18 है, अगर 25 में 18 घटाएंगे तो 7, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसी प्रकार 30 के सामने 37 है, 37 से 30 घटाएंगे 7, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब हम लोग दूसरे फिगर में आते हैं, 54 से, ये 54 है, इसे 46 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर 64। इसी प्रकार 45 से 37 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर 64। इसी प्रकार क्या करेंगे, ये देखिए 32 से 26 घटाया 6, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए 22 ये है, और यहाँ पे कितना आएगा, तो कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, 28, ऑप्शन सी 28 यहाँ आएगा। क्यों, 28 से अगर 22 घटाएंगे तो आएगा 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, तो यहाँ 36 मिल जाता है, तो ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये कॉलम को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो दोस्तों देखिए ये 34 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 4 में 6 का गुणा कर देंगे तो 24 मिल रहा है, तो नहीं बनना है। तो आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर दिया और प्लस 6 का स्क्वायर कर दिया, ओके, तो ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36, और 16 और 36 कितना होता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसमें 2 का डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 18, और 18 और 16 कितना हो जाएगा 34। देखिए मिल गया, अब यही टेक्निक इसमें लगा के देखते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, और 8 के स्क्वायर में 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि पहले भी तो किया था, तो ये 81 हो जाएगा, और ये 64/2, तो ये 2 से काटेंगे तो 32, और 32 का 81 में ऐड कर देंगे तो 113। ओके, अब इसमें भी करेंगे, 1 का स्क्वायर किया प्लस 4 का स्क्वायर किया, और इसमें 2 का भाग कर दे दिया, तो 1 प्लस 16 प्लस 2 ये 8 हो जाएगा, तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग एक एक रो को लेके चलेंगे, ओके, पंक्ति को लेके चलेंगे। तो दोस्तों देखिए ये 16 बनाना है, अगर 18 से 2 घटा देंगे 16 बन जाएगा, अब ये 8 बनाना है, अगर 15 से 7 घटा देंगे तो 8 बन गया, इसी प्रकार 18 से 6 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाता है 12, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हमें कहाँ पे सेकंड वाले फिगर में मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे, तो सबसे पहले पहले सॉल्व करेंगे फिर तीसरा सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले को कैसे सॉल्व करेंगे, जो बाहर दिए गए हैं 3, 2, 4, 3, 5 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2×4×3×5। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे, तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, तो ये गुणा करने के बाद आता है 120। अब 120 से 12 बनाना है, तो कितने का डिवाइड करें 10 का, 0 से 0 12 बन गया। ओके, यही टेक्निक हम लोग तीसरे वाले फिगर में करेंगे, इन चारों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 3×5×6×2, तो देखिए 3×5=15, 15×6=90, 90×2=180। 180 से 18 बनाना है, तो 10 का डिवाइड करेंगे, 0 से 0 काटा 18 बन गया। ओके, अब इसमें भी यही करेंगे, चारों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8×5×2×2, तो 8×5=40, 40×2=80, 80×2=160, 160 में 10 का डिवाइड कर देंगे, 0 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला 16। तो अगले कुछ क्वेश्चन एनालॉगी के हैं, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है ये वाला। देखिए इसमें क्या होता है कि एक का संबंध जब दूसरे से होता है वैसा ही, तो तीसरे का संबंध भी वैसा ही चौथे से होगा। ओके, तो एनालॉगी का मतलब ये होता है सादृश्यता। तो दोस्तों देखिए पत्रिका का संबंध है संपादक से, तो नाटक का संबंध किससे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन है निर्देशक। ओके, क्योंकि पत्रिका का जो संपादन करता है वो संपादक करता है, और नाटक का निर्देशन कौन करेगा, निर्देशक। नेक्स्ट है नेत्र का संबंध है दृष्टि से, तो जीवा का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देखिए जिस प्रकार जो नेत्र जो होता है वो दृष्टि मतलब रोशनी प्रदान करता है आँखों की, तो उसी प्रकार जीवा क्या करेगी, भाषण देता है, क्योंकि चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन डी भाषण देगा। ओके, अगला क्वेश्चन है फूल का संबंध कली से, तो पादप का संबंध किससे होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तना, क्योंकि आपको रीजन भी बता देता हूँ कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी बीच। ओके, रीजन बताता हूँ कि जिस प्रकार जो फूल है, फूल से कली विकसित होता है,
फूल जो होता है वो कली से विकसित होता है, उल्टा उल्टा संबंध है। उसी प्रकार जो बीज होता है उसे पादप में विकसित होते हैं, उसी प्रकार बीज हैं पादप में विकसित होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, विद्युत का संबंध है तार से तो जल का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार विद्युत का प्रवाह तार से किया जाता है उसी प्रकार जल का जो प्रवाह होगा वो ऑप्शन सी पाइप से किया जाएगा। नेक्स्ट है, सोमवार का संबंध है शनिवार से तो गुरुवार का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार सोमवार के 4 दिन बाद शनिवार होता है उसी प्रकार गुरुवार के 4 दिन बाद क्या होगा? मंगलवार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉनकेव का संबंध है कॉनवेक्स देख तो कंसेट का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार कॉनकेव है, कॉनकेव तथा कॉनवेक्स एक दूसरे के विपरीत हैं तो उसी प्रकार कॉनकेट जो होगा वो डिनाई का होगा। ओके, DENY। अगला है, बल्ब का संबंध है बिजली से तो कार का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार बल्ब जो होता है बिजली से चलता है उसी प्रकार जो कार होगी वो ईंधन से चलेगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।